तो इंडियन बाइक ड्रोन 3D में हम लोग बना लिए हैं जेसीबी से पुलिस स्टेशन, तो जिसमें बैठकर हम लोग इस पुलिस स्टेशन को तोड़ने वाले हैं। लेकिन आखिर हम लोग इस पुलिस स्टेशन को तोड़ेंगे क्यों और आखिर हमने इस जेसीबी को बनाया कैसे, तो चलिए जानते हैं इस कमाल के वीडियो के अंदर। तो अरे यार, मैं कल से अपने घर पे नहीं गया हूँ क्योंकि मुझे टूटे हुए ब्रिज का अच्छे से इसको तैयार करना है। तो उसके पहले मुझे इस पाइप को हटा के सबसे पहले उसको जगह पे इसको ले जाना पड़ेगा। वैसे यार मुझे बहुत ही मेहनत का काम करना पड़ता है, मुझे अगर कोई जॉब मिल जाए तो ये काम मैं छोड़ दूंगा। मतलब मुझे रोज सुबह आना पड़ता है और मैं रोज रात को घर पे जाता हूँ, यहाँ तक कि मुझे यहीं पे सोना। अरे यार ये देखो पुलिस वाला, लेकिन ये तो आज पहली बार इस कंस्ट्रक्शन साइट पे आया है। लेकिन यार ये यहाँ पर क्यों आया, चलो बाहर निकल के देखते हैं। अरे यार ये देखो, ये तो मेरी गाड़ी में बैठ गया और लेके भाग भी रहा है। अबे यार ये पुलिस वाला था कि चोर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साले ने मेरी नई जेसीबी चुरा ली, मुझे सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाके देखना पड़ेगा। मुझे तो लगता है पुलिस वाला ही था, लेकिन ये जेसीबी लेकर क्यों आया है, यहाँ तक कि मुझसे उसने पूछा भी नहीं कि मैं जेसीबी ले जा रहा हूँ। आजकल ये पुलिस वाले कुछ ज्यादा ही रोब झाड़ने लगे हैं। अगर सच में मुझे यहाँ पे जेसीबी मिल गई तो फिर देखो मैं पुलिस वालों को क्या हाल करता हूँ। और जैसे ही मैं पुलिस स्टेशन के अंदर गया, अरे यार ये क्या हो गया, पुलिस वाले ने तो मेरी पूरी जेसीबी का पार्ट खोल के अलग अलग कर दिए हैं। लेकिन आखिर ये बना क्या रहे मेरे वाले जेसीबी के साथ। देखो फ्रैंकलिन, मैं इस पुराने पुलिस स्टेशन को छोड़ के मैं एक नया स्टेशन बनाना चाहता हूँ। उसके लिए हमें एक जेसीबी का जरूरत है। अगर तुम इस जेसीबी को बना लोगे तो तुम हमारे पुलिस स्टेशन में एक सरकारी नौकरी करोगे। ओके सर, मैं इस सबसे पहले इस जेसीबी को पुलिस जेसीबी में बदल देता हूँ। अरे यार यहाँ पे तो एक मस्त सी डील हुई है, मुझे भी एक सरकारी नौकरी मिल जाएगा। और वो जो पुलिस जेसीबी होगा ना गाइस, उसे मैं ही चलाने वाला हूँ। और मुझे यहाँ पर सिर्फ 2 ही घंटे काम करने और मैं जाके घर पे सो सकता हूँ। यार कंस्ट्रक्शन साइट पे तो मुझे दिन भर ही काम करना पड़ता था, लेकिन सैलरी भी कम ही मिलती थी। तो फाइनली गाइज मुझे पुलिस स्टेशन के अंदर काम मिल गया, लेकिन मुझे सबसे पहले पुलिस जेसीबी बनाना पड़ेगा। लेकिन मैंने तो आज तक पुलिस जेसीबी देखा ही नहीं, लेकिन वो दिखता कैसा है, तो फिर मैं इतने बड़े जेसीबी को बनाऊंगा कैसे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यार मैं घर तो आ चुका हूँ लेकिन काम करके थक चुका हूँ, चलो पहले तो सो लेता हूँ फिर देखता हूँ आगे मुझे क्या करना है। अरे यार एक मिनट, ये साउंड, अरे यार ये देखो मेरी टीवी चलने लगी है, लेकिन ये काफी टाइम से बंद पड़ी थी और ये चल भी नहीं रहा था। और ये वाला लोकेशन तो हमारे बीच के पास है, यहाँ पे देखो पुलिस वाला सायरन भी रखा और यहाँ पे लाइट भी रखा हुआ है। और हमको किसी भी पुलिस वाली गाड़ी को बनाने से पहले सबसे पहले यही चाहिए। तो फाइनली यार मुझे टीवी ने बहुत ज्यादा हेल्प किया है, मुझे तो पता ही नहीं था गाइस कि मैं पुलिस वाला जेसीबी बनाऊंगा कैसे। और यहाँ पे मुझे दोनों का लोकेशन भी मिल चुका है और मुझे जल्दी से बीच पर जाना पड़ेगा, जहाँ पर रंग बिरंगी सायरन लाइट रखी हुई है और वो सायरन लाइट छोटे से छत के ऊपर जज्जे पे रखा हुआ है। तो चलो यार फटाफट से उसको लेके आते हैं, मुझे सोने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। अगर आज मैंने पुलिस वाला जेसीबी बना दिया तो मुझे काफी सोने का टाइम भी मिल जाएगा और मुझे यहाँ पे पुलिस वालों के पास काफी तगड़ी सैलरी भी मिलेगी। और मुझे उस पुलिस जेसीबी के साथ पूरे पुलिस स्टेशन को तोड़ना है और वहाँ पर कोई नया पुलिस स्टेशन बनने वाला है जो इससे भी तगड़ा होगा। और वहाँ पर और भी पुलिस वाले आने वाले हैं जिनके पास बहुत ही खतरनाक हथियार है। तो फाइनली गाइस हम लोग बीच के पास आ चुके हैं। तो ये जो सामने घर दिख रहा है, इसी के छत के ऊपर मैं एक सायरन लाइट देखा था, तो फटाफट से ऊपर चढ़ते और ये देखो यार यहाँ पे सायरन लाइट रखी हुई है। और इसके साथ ही गाइस यहाँ पे देखो 2 बड़े-बड़े स्पीकर भी दिख रहे हैं, मतलब पुलिस वाले जो कुछ भी बोलते हैं इसी स्पीकर से बाहर आती है। तो फटाफट से हम लोग इन दोनों को बैग में रखते हैं और मुझे स्टिकर भी लानी है। तो यहाँ पे मुझे मिल चुकी है 2 बड़े-बड़े लाइट और यहाँ पे 2 स्पीकर। तो वो जो स्टिकर है ना गाइज, वो जो स्टिकर वाला रिकॉर्डिंग था मैंने उसको भी सेव किया है। ये देखो ये स्टिकर इस बिल्डिंग के ऊपर रखा हुआ है और ये वो जो बिल्डिंग है ना, ये हमारे रैंप वाले एरिया में है। तो चलो जल्दी से फटाफट से उसके पास चलते हैं, मेरे पास क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से पुलिस जेसीबी को बनाना पड़ेगा क्योंकि आज हमको रात होने से पहले पूरे पुलिस स्टेशन को तोड़ना है और अगले ही दिन वहाँ पे नया पुलिस स्टेशन बनाने का काम शुरू हो जाएगा। वैसे मुझे भी नहीं पता यहाँ पे कौन सा नया वाला पुलिस स्टेशन बनने वाला है, लेकिन कुछ भी हो यार मैं एक ही पुलिस स्टेशन देख देख के बोर हो चुका हूँ।
और यहाँ पे बस दो ही फ्लोर है गाइज, वो भी देख के मजा नहीं आता। तो फाइनली गाइज मैं रैम पॉली सिटी में आ चुका हूँ और वो वाला बिल्डिंग है ना इस साइड पे, उसके ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन गाइज यहाँ पे तो सीढ़ियाँ दिखाई नहीं दे रही हैं। यार मैं कैसे इस सिटी के ऊपर, और ये देखो गाइज यहाँ पे एक रास्ता भी गया हुआ है और इस वाले रैम के रास्ते से हम लोग ऊपर जा सकते हैं। तो ये तो कमाल का आइडिया गाइज, हम चलो लोग इस रैम के रास्ते से ऊपर जाते हैं। तो हम लोगों को रास्ते पे सीधा जाना है और वहां से जंप मार के सेकेंड फ्लोर पे जा सकते हैं। लेकिन ये काफी खतरनाक रास्ता है, मुझे काफी संभल के जाना पड़ेगा और यहाँ पर मुझे काफी आराम आराम से गाड़ी को आगे बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि ये रैंप बहुत ज्यादा ऊपर है और यहाँ से अगर कोई नीचे गिरता ना गाइस तो हमेशा हमेशा के लिए ऊपर चला जाता है। लेकिन मैं कई सालों से गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे काफी गाड़ी चलाने का आइडिया हो चुका है और ये देखो मैं कभी कभी आंखें बंद करके गाड़ी को चला लेता हूँ। तो ऐसे करके फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बिल्डिंग के ऊपर। वो जो हमको स्टिकर मिलने वाला है ना इस बिल्डिंग के ऊपर नहीं रखा हुआ है। आगे जो बिल्डिंग दिख रहा है उस सेकंड फ्लोर पे हमें वो स्टिकर मिलने वाला है और हमको उस बिल्डिंग पे जाने से पहले इस बाइक को यहीं से जंप करानी पड़ेगी और वो भी काफी संभल के यार। ओ सिट, अरे। और फाइनली हम लोग इस बिल्डिंग पे आ चुके हैं। सच बताऊं तो गाइज मुझे इतने ऊपर से जंप करने में बहुत ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि बाइक फिसल के नीचे चली जाती तो इसमें आग भी लग सकती थी। और वो सब छोड़ो गाइज, ये देखो फाइनली यहाँ पे स्टिकर मिल चुका है। ये व्हाइट कलर का स्टिकर हमारे जेसीबी पे बहुत ही अच्छा लगेगा, मतलब हम लोग वहां से उस स्टिकर को हटा के इस पुलिस स्टिकर को लगाने वाले हैं, जिसके बाद हमारा पावरफुल जेसीबी पुलिस जेसीबी बन के तैयार हो जाएगा। तो वैसे करके गाइज फाइनली हमको इस बिल्डिंग से स्टिकर भी मिल चुका है। बट यार वो जो पुलिस वाली गाड़ियां होती है ये तो ब्लैक कलर में होती है लेकिन हमारा जो जेसीबी है वो तो पूरा का पूरा येलो कलर का है। तो चलो एक काम करता हूँ, वीडियो में ये रहा वाला घर, तो अरे यार ये तो हमारे ओल्ड वाले घर के ऊपर ये ब्लैक और व्हाइट पेंट भी रखा हुआ है। तो ये वाला घर मैंने पूरा रेंट पे दे रखा है, शायद वो लोग इस घर को पेंट करा रहे हैं। चलो एक काम करता हूँ, मैं उस गाड़ी को एक ब्लैक से एक व्हाइट से पेंट कर दूंगा। तो हमें उस पेंट को लाने के लिए सीधे जाना पड़ेगा ओल्ड हाउस। चलो अच्छा हुआ यार मुझे उसको लाने के लिए ज्यादा दूर भी नहीं जाना क्योंकि हमारा वो ओल्ड हाउस काफी ज्यादा नजदीक है। तो चलो इसी बहाने मैं अपने ओल्ड हाउस घूम के आ जाऊंगा क्योंकि वहां पे गए काफी ज्यादा दिन हो चुके हैं और रेंट पे चलाता हूँ तो मुझे थोड़े वैसे पैसे वहां से भी मिल जाते हैं। तो अबे सीट यार ये देखो मैंने कितनी ऊंची वाली जंप कराई है। अरे अरे लेकिन यार गाइस ये तो एयरपोर्ट के अंदर चला गया। चलो कोई बात नहीं, मैं इस जाली को आराम से पार करके बाहर आ सकता हूँ और मुझे एक कमाल का आइडिया पता है, हम लोग सीधे इस साथ जंप करा के उस सब के ऊपर जा सकते हैं। हमें सिर्फ इन सीढ़ियों से ऐसे, अरे यार ये तो फेल हो गया क्योंकि मैंने पिछली बार यहाँ से जंप लगाई थी और बाइक सीधा छत पे चला गया था। तो चलो कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पैदल ही छत के ऊपर चलना पड़ेगा और हमको वहाँ पे दोनों पेंट बैकेट उठा के सीधे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि पुलिस वाले भी मेरा हेल्प करने वाले हैं उन गाड़ियों को पेंट करने के लिए क्योंकि रात होने से पहले मुझे उस गाड़ी को बिल्कुल पेंट करना है और हमको रात भर उस पुलिस स्टेशन को तोड़ना पड़ेगा ताकि मॉर्निंग में हमारा पुलिस स्टेशन बनने के लिए रेडी हो जाए। तो अभी आ चुका हूँ मैं अपने बाथरूम के अंदर क्योंकि छत पे जाने के लिए यही एक रास्ता है। तो जिसके पहले मुझे इस पाइप पे पैर रखना है और फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ छत के ऊपर। वैसे ये वाला रास्ता यहाँ पे रहने वाले लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है। तो ये देखो आपके सामने जो ब्लैक और व्हाइट कलर के बड़े बड़े डब्बे दिख रहे हैं ना, ये पेंट है गाइस। और इतना सारा पेंट से तो मैं काफी ज्यादा गाड़ी पेंट कर सकता हूँ। तो फाइनली गाइस मुझे यहाँ से मिल चुका है ब्लैक एंड व्हाइट कलर का पेंट। तो मुझे सारी चीजें मिल चुकी है गाइस, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। उधर पुलिस वाले भी मेरा काफी ज्यादा टाइम से वेट कर रहे होंगे। तो फटाफट से अपनी बाइक लेके सीधा चलते हैं पुलिस स्टेशन। लेकिन यार भाई पुलिस वाले ने मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है और पुलिस वालों को एक जेसीबी बनाना ही था तो उन्होंने पुलिस वाले जेसीबी को खोला क्यों और मुझे फिर से सारे जेसीबी को एक साथ जोड़ना पड़ेगा और उसको ठीक करना पड़ेगा और उसके बाद सायरन लाइट लगानी होगी, स्टिकर लगानी होगी, उसके बाद पेंट करनी होगी। तो चलो कोई बात नहीं गाइस क्योंकि पुलिस वालों ने मुझे खुद ही जॉब पे रखा हुआ है तो इतने अच्छे जॉब के लिए मैं एक काम कर ही सकता हूँ। तो फाइनली गाइज मैं बाइक को भगाते हुए सीधे आ चुका हूँ पुलिस स्टेशन। तो अभी जल्दी जल्दी से सारे पार्ट को जोड़ते हैं क्योंकि मुझे पेंट वगैरह भी करनी पड़ेगी और साथ ही में सायरन लाइट स्पीकर, अरे यार काफी ज्यादा काम है।
मुझे जल्दी से करना होगा क्योंकि यहाँ पे लाइट भी नहीं है। तो जब तक मैं इस जेसीबी को बना रहा हूँ, अपने प्यारे हाथों से आप इसको लाइक कर दो, बिकॉज हम लोग आगे भी ऐसे ही धाकड़ धाकड़ वीडियो लाते रहेंगे। तो वैसे किसको किसको इंडियन बैकग्राउंड 3D गेम पसंद है कमेंट करके जरूर बताना। तो फाइनली ये देखो, आधे घंटे के मेहनत के बाद हमने जेसीबी को बना दिया है। और कमाल की बात यह गाइस, ये कोई नॉर्मल जेसीबी नहीं, एक पुलिस जेसीबी है। और एक बार लुक देखो यार, ये जेसीबी कितनी खतरनाक लग रही है। और ये आज के बाद हमेशा हमेशा के लिए पुलिस स्टेशन के अंदर रहने वाला है। तो फाइनली हम और पुलिस वाले जा रहे हैं उस पुलिस स्टेशन को तोड़ने के लिए। वैसे इस पुलिस स्टेशन को तोड़ने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, तो वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर में बता देना। तो ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्सन के लिए थी। तो अगर ये आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए बाय बाय गाइज़।